ऐसी शेरदी मुस्कान खान कर्नाटका को हजार मर्तबा सैल्यूट, हजार मर्तबा सैल्यूट और दिल से सलाम, मोहब्बत भरी दुआएं और फिर सैल्यूट इनके वालिदैन पेरेंट्स को जिन्होंने शेरनी को जन्म दिया। अल्लाह अकबर। शायद आप इस खबर से आशना होंगे कि मुस्कान खान कर्नाटका ने अपने कॉलेज जाने के वक़्त अपनी स्कूटी से वो उतरती है और उतरकर अपने कॉलेज के रास्ते जाती है, अपने कॉलेज के अंदर दाखिल होने के लिए जाती है कि रास्ते में तकरीबन 40 से 50 गिदड़ों ने मिलकर उनको घेर लिया और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगाते रहे और उन पर अटैक करने का उन्होंने कोशिश की। मगर जैसे इस शेरनी ने इस तरह के उन लोगों के रिएक्शन को देखा तो उन्होंने भी तीन मरतबा नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर अल्लाह तबारक व तआला के नाम को बुलंद किया और फिर गैब से मदद आई और सारे के सारे गिदर निकल पड़े। तो ऐसी खातून को सैल्यूट है और तमाम तर मुसलमान का सर फख्र से बुलंद हो गया है और तमाम तर औरतें और लड़कियां ख्वातीन जो हिजाब पहनती थी वो अपने आप पर वो लोग प्राउड फील करेंगी, फख्र महसूस करेंगी, गर्व महसूस करेंगी कि जिन्होंने 40 से 50 लोगों के झुंड में 40 से 50 गिदड़ों की झुंड में अल्लाह के नाम को बुलंद किया और बतला दिया कि हम लोग पर्दा में रह कर भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातों पर हम लोग आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। साथ ही साथ मुस्कान खान ने हम तमाम तर लोगों को ये सबक भी दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की बातों पर अमल करने के लिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों पर फॉलो करने के लिए झुंड का होना, हुजूम का होना, इज्तिहाम का होना, ये जमात का होना ही ज़रूरी नहीं बल्कि अगर चाहे तो कोई तन्हा सिंगल भी रह कर अल्लाह तबारक व तआला की बातों पर अमल कर सकते हैं, उनकी बातों पर सीना तान कर अमल कर सकते हैं और ये कर कर ये शेरनी ने दिखा दिया। आप शायद के इस वीडियो को ये पढ़कर पैसा के मुतालिक से पढ़कर क्लिक किया होगा या देखकर, तो हाँ दिस इज़ रियल। जमीयत उलमाए हिंद ने मुस्कान खान को तोहफा के तौर पर, इनाम के तौर पर 5 लाख रुपया का इनाम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर ख्वातीन को मुस्कान खान कर्नाटका जैसा हौसला और हिम्मत अता फरमाए। आज के लिए वैसे पाई काफ़ी, अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी प्यारी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।